कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जुलाई में ही अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंप दिया था। हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और वही जब 3 अगस्त को हमने घेराव किया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाए और जो भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, युवा बेरोजगार परेशान है कि चेयरमैन जा चुका है तो हमारा क्या होगा। अन्य मांगे भी जब हम चेयरमैन के सामने रखी, कल भी हमने बात की, चाहे वो फायरमैन भर्ती का परिणाम हो, चाहे वन रक्षक भर्ती का परिणाम हो, चाहे जो जिनकी परीक्षाएं सितंबर में अक्टूबर में आयोजित होंगी, चाहे नई भर्तियों की पशु परिचर की विज्ञप्ति हो, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति हो और जैन की विज्ञप्ति हो, जो नई भर्तियों की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, सबको लेकर सवाल बने हैं। वर्तमान जो चेयरमैन है जिनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो उनका कहना है कि अब आगे की प्रक्रिया, आगे की भर्ती या परीक्षाएं परिणाम जो है नया अध्यक्ष करेगा। यानी कि अब सारी भर्तियों को ग्रहण लग चुका, युवा बेरोजगार इसलिए परेशान है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। आखिरकार उन परीक्षाओं का क्या होगा, उन परिणामों क्या होगा, उन विज्ञप्तियों क्या होगा, ये सोचकर युवा बेरोजगार परेशान है। 3 अगस्त को हमने बड़ी संख्या में घेराव किया, हमने अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग रखी, साथ में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने की मांग हमने रखी। बड़ी संख्या में हमने घेराव किया, सरकार से अपील की, निवेदन किया कि तत्काल नियुक्ति की जाए जिससे भर्ती परीक्षाएं बाधित नहीं हो, लेकिन अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया। हालांकि अध्यापक भर्ती का जो दस्तावेज, जो उनके जांच का काम के लिए अतिरिक्त टीम लगाई गई है, जांच का कार्य शुरू कर दिया, बड़ी संख्या में घेराव किया, उस घेराव का फायदा यह हुआ कि उन्होंने अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अब उनका कहना है कि 15 दिन तो हमें कम से कम लगेंगे, 15 दिन उसमें जांच करने में लगेंगे, फिर परिणाम जांच करने में लगेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त के अंतिम तक परिणाम लेवल 1 का जारी हो पाएगा और लेवल 2 का सितंबर में जारी हो पाएगा। हम चाहते हैं कि अतिरिक्त और कर्मचारी लगाए जाए, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, सदस्यों की नियुक्ति की जाए, जिससे परिणाम अध्यापक भर्ती का भी जल्द जारी हो और जो फायरमैन और वन रक्षक का परिणाम जो कई महीनों से नहीं आ रहा, हालांकि जो आपने देखा होगा फायरमैन भर्ती 2021 की है, फायरमैन भर्ती के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी जो आ चुकी है और दोबारा सोमवार को पूरी रिपोर्ट सौंप देगी, ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड जाए तो वन रक्षक और फायरमैन भर्ती का परिणाम आने वाले वीक में जारी कर सकता, लेकिन चेयरमैन कह रहे कि आने वाला व्यक्ति ही कुछ करेगा। ऐसे में फायरमैन भर्ती, वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सितंबर में आयोजित होने वाले जूनियर अकाउंटेंट और सूचना साइकिल ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं हो पाएगी, यदि आने वाला चेयरमैन चाहे तो अक्टूबर में आयोजित करवा सकता है, और जो अक्टूबर में होने वाली वो तो वैसे ही अगले साल जा रही है, वो भी नहीं हो पा रही है। इनकी जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था वो पूरा प्रभावित हो रहा है, नई भर्ती विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पा रही, परिणाम जारी नहीं हो पा रहे, हालात गंभीर बन गए, 2 महीने बाद आचार संहिता है। हालांकि बड़ी संख्या में हमने घेराव करके सरकार तक बात पूछाई थी, आवाज बुलंद की थी कि तत्काल अध्यक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, सदस्यों की नियुक्ति की जाए, जिससे भर्तियां परीक्षाएं परिणाम और विज्ञप्तियां प्रभावित नहीं। और अभी भी सरकार 9 तारीख तक युवाओं की पुकार को सुने, पीड़ा को सुने, यदि 9 तारीख तक सरकार नहीं सुनती है तो 10 अगस्त को मैं खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर 1 दिन के लिए उपवास पे बैठूंगा और मांग करूंगा कि तत्काल फाइनमैन, वन रक्षक, मोटर वाहन, अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, नई भर्ती विज्ञप्तियां जारी की जाए और जो भर्ती परीक्षाएं प्रभावित हो रही है उनको समय पर आयोजित करवाई जाए, और जो 1,00,000 भर्तियों की सरकार ने घोषणा की थी उनका विभाग वाइज वर्गीकरण हो, कैलेंडर जारी हो, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी, मात्र 2 महीने बचे, 48,000 पर सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है अध्यापक भर्ती, वही युवा बेरोजगार परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। 2021 की फायरमैन भर्ती का परिणाम अभी तक नहीं आया, वो बहुत परेशान और दुखी है। नई भर्तियां, पशु परिचय, कनिष्ठ अनुदेशक, जैन, इनकी विज्ञप्तियां जारी होंगी, तो सरकार तत्काल एक्शन ले, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे पारदर्शिता के साथ, कर्मठ ईमानदार सही व्यक्ति की नियुक्ति करे और अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जिससे आचार संहिता में कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं अटके, भर्तियां नहीं अटके। तो तत्काल परिणाम जारी करवाने, अध्यक्ष, सदस्य और अधिक पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करवाने और 1,00,000 भर्तियों को विभाग वाइज वर्गीकरण करवाकर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाने की मांग को लेकर 10 अगस्त को सुबह 11 बजे मैं कर्मचारी चयन बोर्ड उपवास पर बैठूंगा, क्योंकि गांधीवादी तरीके से एक बार फिर मैं उपवास पर बैठ रहा हूं। शक्ति प्रदर्शन हमने किया, बड़ी संख्या में हमने घेराव किया, सरकार तक बात पूछाई, लेकिन गांधीवादी तरीके से एक बार फिर 10 अगस्त को मैं सुबह 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर उपवास पर बैठूंगा और माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से अपील करूंगा कि आचार संहिता में भर्ती परीक्षाएं बाधित नहीं हो, तत्काल अध्यक्ष, सदस्य और रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जिससे जल्द से जल्द फायरमैन, वन रक्षक, मोटरवाहन उपरक्षक, अध्यापक भर्ती का परिणाम भी जारी हो सके, 48,000 व्यक्तियों को जल्द ज्वाइनिंग मिल सके, नई भर्ती नियुक्तियां जारी हो सके और जो भर्ती परीक्षाएं जिनका कैलेंडर जारी है वो बाधित ना हो सके, समय पर परीक्षाएं हो सके, समय पर युवाओं को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।